नमस्कार। पटना यूनिवर्सिटी के लव गुरु अब रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, मटुक नाथ चौधरी जो जूली से अपने प्रेम प्रसंग के कारण मीडिया में आए थे, उसके बाद उन्हें पटना यूनिवर्सिटी के छात्र लव गुरु बुलाने लगे थे, वो अब रिटायर हो रहे हैं। मगर रिटायर होने से पहले उन्होंने एक बेहद ही दिलचस्प पोस्ट लिखा है। कहा है, 65 साल की उम्र में मैं लड़का हूँ, यानी कि बच्चा हूँ, और मैं फिर से ब्याह करूँगा। पूरा पोस्ट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर लव गुरु कैसे बन गए। उन्होंने लिखा है, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, मैं 65 वर्ष का लड़का हूँ, मेरी जवानी ने अभी अंगड़ाई ली है, मेरे अंग अंग से यौवन की उमंग छलक रही है। जब मैं मस्त होकर चलता हूँ तो लोग नजर लगाते हैं, दौड़ता हूँ तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अब हम कैसे चली डगरिया, लोगवा नजर लगावेला। मेरी खुशनसीबी कि इस चढ़ती जवानी में रिटायर हो रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करिएगा, चढ़ती जवानी में जो किया जाता है वही करूँगा, मतलब यह कि मैं ब्याह करूँगा। बरतुहार बहुत तंग कर रहे हैं, उनकी आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन मैं एक अनुशासित शर्मीला और परंपरा प्रेमी लड़का हूँ, इसलिए खुद बरतुहार से बात नहीं करता हूँ, उन्हें गार्जियन के पास भेज देता हूँ। मेरे विद्यार्थी ही मेरे गार्जियन हैं, वे जो तय कर देंगे आँख मूंद कर मानूंगा, उनसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं हो सकता। हंसी मजाक छोड़िए, बताइए कि रिटायरमेंट के बाद क्या योजना है, क्योंकि आप जो योजना बनाते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। विदा हुआ वह मटुकनाथ जो योजना बनाता था और उसे पूरा करने में लहू सुखाता था, अब हम केवल मस्ती करेंगे। सबसे पहले हम ब्याह करेंगे, इसलिए आप लोगों का दायित्व है कि एक सूटेबल कन्या से मेरा ब्याह करवाइए, फिर मेरी चाल देखिए। विवाह के पहले कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं सोचने का। अब मेरा रिटायरमेंट डे है, वास्तव में यह मेरा स्वाधीनता दिवस है। व्यर्थ के कार्यों से मुक्ति मिलने का आनंद मेरी रगों में दौड़ रहा है। विश्वविद्यालय के क्लास बकवास हैं, विद्यार्थियों की प्रतिभा कुंद करने के सिवा वहां कोई रचनात्मक काम संभव नहीं। खुशी इस बात की है कि इस हिंसात्मक शिक्षा में जुटे रहने की बाध्यता से मुक्ति मिल रही है। अब मैं जिस दिशा में कदम रखूंगा वह वास्तविक शिक्षा होगी, किंतु मैं कोई योजना बनाकर उसे पूरा करने के तनाव में नहीं पड़ूंगा। मन की तरंग पर सवार होकर उड़ूंगा, अस्तित्व जो करवाना चाहेगा उसी की इच्छा में अपनी इच्छा को लय करूंगा। आत्मसुख मेरी प्राथमिकता होगी, मेरी समझ है कि केवल सुखी व्यक्ति दूसरों को सुख पहुंचाने में सहायक हो सकता है। समाज, देश और दुनिया को बदलने का नारा विशुद्ध धोखा है। तो अपनी मस्त पोस्ट के बाद मटुकनाथ एक बार फिर से मीडिया की नज़रों में आ गए हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट को खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं। दरअसल लव गुरु प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी अपनी एक छात्रा जूली से इश्क को लेकर खूब चर्चा में आए थे। पटना विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई 2006 को मटुकनाथ को बीएन कॉलेज हिंदी विभाग के रीडर पद से निलंबित कर दिया था। बाद में 20 जुलाई 2009 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन पर अपनी कक्षा में बाहरी लोगों को बिठाने और अमर्यादित आचरण करने का आरोप लगाया गया था। इसके 2 साल बाद मटुकनाथ बर्खास्तगी को रद्द कर उन्हें वापस नौकरी पर रख लिया गया। पिछले दिनों जूली उन्हें भी छोड़कर जा चुकी है। मटुकनाथ ने लिखा है कि आज मेरी स्वाधीनता दिवस है। पटना यूनिवर्सिटी में मटुकनाथ की फैन फॉलोइंग देखते ही बनती है। छात्र मटुकनाथ के साथ खूब इंजॉय करते हैं, कई सारी बातें भी शेयर करते हैं और लव गुरु उनके जवाब में उन्हें कई सारे समझदार सलाह भी देते हैं। बहरहाल अब पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हैं मटुकनाथ। आगे क्या कुछ करने वाले हैं वो तो उन्हें लिखा ही है। मीडिया की भी नज़र मटुकनाथ पर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि आप चाहते हैं देखना कि लव गुरु प्रोफेसर अब आगे क्या करने वाले हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे लाइक करें, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हमारे वीडियोस लगातार आपको इंटरटेन और इन्फॉर्म कर रहे हैं।